वहीं कांग्रेस के गढ़वाल क्षेत्र से प्रत्याशी गणेश गोदियाल को जैसे ही ईडी का समन आया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने ईडी की कार्यवाही पर गणेश गोदियाल के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि इस समय जो भी कार्यवाही हो रही है वह संवैधानिक तौर पर ही हो रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए तो संवैधानिक प्रक्रिया है, गणेश गोदियाल जी को पहले तो ये अपने आप ही स्पष्ट करना चाहिए, ये मामला कब का है, क्या ये जो मामले उनके खिलाफ इनकम टैक्स हो या जो भी मामले हों, उनके जब उनकी सरकार महाराष्ट्र में होती थी उस दौरान के वो मामले हैं, या जब वो राजनीति में नहीं थे उससे पहले के मामले हैं। देखिए कोई भी मामला दर्ज होता है तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसकी कार्रवाई होती है और उसी के तहत उसको उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन इस तरह से इसको राजनीति से जोड़ने का और लोगों को बरगलाने की जो कोशिश कर रहे हैं इससे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है।